सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह देशाह जिस पास बैठियां सोही है सबना दा वेसा। सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसीय क्यों पाई है तिन संग जियो संत सजन मन मित्र से लायन प्रभ स्यों रंग जियो। जिन डिठिया मन रहसीय क्यों पाई तिन संग जियो संत सजन मन मित्र से लायन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत न टुटई कब हूँ न होवै भंग जियो पार ब्रह्म प्रभ कर दया गुणगावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सजना नाम जपै मन मित जियो रहाओ। आपन डै प्रभ पहाने आ दर गए पैंदा जाए जियो एथै सुख मुख उजला इको नाम ते आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुरसेविया सत पाए जियो थान थनंतर रव रहिया सर्व जिया प्रतिपाल जियो। सच खजाना संचया एक नाम धन माल जियो। मन ते कभू ना विसरै जा आपे हुए दयाल जियो। आवन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ताका अंत ना पाई है ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरै सुमर जमै लखवार जियो। साच ने तिन प्रीतमा जिन मन उठाया आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समर्थ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। तू समर्थ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी
गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश संध्या समय असी गुरु हजूर हाजिर हो पाए हैं। समा गुरबाणी व्याख्या का है, इस विच सूही राग अंदर अष्टपदियां दे संदेश असी विचारते हाँ। गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उच्चरित की गई लमेरी पावन रचना लगातारता नाल विचार गोचरे असी पढ़ अते विचार रहे हाँ। ये पावन बचन दे पदा बा पदा विचारद असी गालबन कोई चार पदे विचारे ने। अगलेरे बंदा का पाठ आपने सरवण किया, जिन्हें जिन्ना क समय ने अलाउ किया अकॉर्डिंगली असी अगलिया सत्र अगले पद्या की विचार करांगे। प्रारंभता हमेशा की तरह सिर्फ मुख सुनेह के पदे ते सरसरी नज़र पाउंदिया है। साहब जिक्र कर रहे ने, पार ब्रह्म प्रभ कर दया गुण गावां तेरे नित जियो। पार ब्रह्म ऑलमाइटी अकाल पुरख वाहिगुरु की गल हो रही है। एंड एज महाराज इज प्रजेंटिंग दीज वर्ड्स दैट मीन महाराज इज सेइंग और प्रेइंग टूवर्ड वाहिगुरु जी, ओ वाहिगुरु तेरे अगे अरदास है। तो अरदास की हैगी है कि बख्शिश कर, पार ब्रह्म कर प्रभ कर दया गुण गावां तेरे नित जियो। प्लीज़ गिव मी दैट अबिलिटी, आई कैन रिसाइट योर वर्च्यूज ऑल द टाइम। ये मौलिक रूप से गल सिंपल ट्रांसलेशन की जाए जी। हुण दा लहजा की है, वैन वी आर सेइंग आई कैन रिसाइट, सम टाइम रिसाइटिंग हैपन थ्रू आवर माउथ वैन वी एक्चुअली से समथिंग आउट लाउडली, बट द सेम टाइम आवर माइंड इज स्पीकिंग ऑल द टाइम। माइंड इज रिसाइटिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स इटसेल्फ। सो जो तुसी उस लैवल ते बात करते हो कि नित मैं जपा, नित मैं त्यावा, मीन आई डोंट वांट टू हैव माइंड वॉन्डरिंग ऑल माइटी, आई नीड सम काइंड ऑफ ब्लिस इन माई माइंड वेयर आई कैन प्रोसेस, आई हैव थॉट्स अबाउट योर प्रेजेंस, अबाउट योर क्वालिटीज, अबाउट योर ब्लैसिंग्स। तू नवाजन वाला आ, तू बख्शन वाला आ, तेरी तेरी हैसियत दे नाल मेरी हैसियत जुड़ जाए। इस किस्म के बचन जो मेरे अंदर लगातार प्रोसेस हो, ये मेरी अरदास है। सैकेंड बचन आ गुरबाणी का, एक कमाल खासियत यह हैगी है गुरबाणी, वैन एवर गुरबाणी शोज एनी काइंड ऑफ डेस्टनी टू अस, दैट इज योर डेस्टनी, यू शुड अचीव दिस वन। बट गुरबाणी इज नॉट प्रोवाइडिंग अस द एड्रेस ऑफ दैट डेस्टिनेशन, गुरबाणी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग हाउ टू अटेन इट। उदे तक पहुँचना किवें है, मैप भी प्रोवाइड कर रही है। ये गुरबाणी की खासियत है। महाराज सानू वो अप्रोच भी दस देने कि वट अप्रोच कैन वर्क टू अचीव योर डेस्टनी। सो हेयर इन सैकेंड लाइन महाराज जी सिंह उस अकाल पुरख वाहिगुरु नाल सांझ पाउण वास्ते, आए मिलो संत सज्जना नाम जपै मन मित जियो। आए मिलें संत, आए मिलो संत सज्जना। सो यू हैव ए वेरी ओपन माइंड काइंड ऑफ अप्रोच टूवर्ड होम, टूवर्ड एक्चुअली दैम हु आर हेल्पफुल टू अचीविंग और टू एक्चुअली अक्वायरिंग दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। वो कौन ने? संत जन ने। उन्होंने प्रति अपने आप दे सोच रखनी, सोच रखना। साढ़े आले दुआले ही गलत लोग भी फिरते हैं, चंगे भी फिरते हैं। साढ़े आले दुआले ही अच्छाई भी है, बुरियाई भी है। साढ़े आले दुआले ही सब कुछ ही पिया आया। इट डिपेंड करता है तुसी चोन की करते हो, माड़े भी ने चंगे भी ने, वो भी तुहाडे ते। ये मनुखां दे विच ने, मनुखां दे वर्ताओ दे विच ने, मनुखां दे जो दा सोच विहार आ, जिहनूं तुसी उहनां दे बिहेवियर्स कह सकते हैगे हो। सो जिन्हां दा बिहेवियर तुहानूं ये रियलाइज़ करवाउंदा है कि यस ये संत बिरती है, ये चंगा गुण आ, ये कुछ सेंटली काइंड ऑफ ह्यूमन काइंड ऑफ वैल्यूज मैं देख सकता हाँ। ट्राई टू एक्चुअली गैट देयर शैडोज, ट्राई टू गैट देयर कंपनीज। इन दैट वे वी कैन अटेन दैट स्टेट ऑफ माइंड विच महाराज सिंह इज ब्लिसफुल, जिसे हर वक्त तो याद बैठा रहा है। सो इतने भी मंग की गई कि आए मिलो संत सज्जना नाम जपै मन मित जियो। तो फिर यही लोग मन के मित बनते हैं,
अदरवाइज हाय हैलो तो सारिया नाल ही करता है बंदा. नाउ इट इज वी टॉकिंग अलॉट अबाउट सैल्फ आइसोलेशन और एक्चुअली काइंड ऑफ लिविंग इन आइसोलेशन. बट द सेम टाइम जिहड़ी आइसोलेशन एज ए सोसाइटी असीं ऑलरेडी फेस कर रहे हैगे आ, लोक घरां च रह के कल्ले ने, लोक आले दुआले महफलां हुंदियां होइयां कल्ले ने, जिहड़ी उह एक इनर आइसोलेशन असीं फील कर रहे हैं सारे दे सारे. मन मित, मेरे मन का मित कोई नहीं गा. इवन आई हैव हर्ड दीज वर्ड सो मैनी टाइम्स फ्रॉम एक्चुअली डिफरेंट पीपल्स दैट वैन एवर दे से भाई साहब नो वन कैन अंडरस्टैंड मी. नहीं नहीं मैनू नहीं कोई समझदा, मेरी गल नहीं कोई समझदा. वट मतलब मेरे को मन मित नहीं है जेड़ा मैनू एहसास एहसास सके, मैनू मेरे लैवल ते खड़े होकर देख सके. ये मैं कई बार लिटरेचर चो गल करता हाँ. रशियन वर्ल्ड रिनाउंड राइटर एंथनी चेखोफ, उन्हें स्टोरी लिखी सी द ग्रीफ, बहुत कमाल दी स्टोरी है. बंदे दे जो सोशल लैवल ते उदे कोल उदे दुख नू भी समझन वाला कोई नहीं हुंदा. द ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब ही दुख हुंदा है. फिर अखीर एक घोड़े नू जाके सुनाउंदा अपना दुख, कहिंदा भी आ हालत है मेरी. सो एक त्रास की एक ट्रेजेडिक पिक्चर विखाई है समाज की, सोसाइटी दे साडे सारयां दे विच ही तुरिया फिरदा काम. सो साहब महाराज कहिंदे इहो जिहे संत जन, इहो जिहे सुहिरद, इहो जिहा आला दुआला होए जिहदे च तेरे तेनू उस रब्बी गुणा की सांझ दे नाल तेरी एक आबो हवा भर जाए, तेरी कंपनी होए उहो जी, उहदे नाल तेनू मन का मित मिल सके. रहाओ दा बंद है अगे जो बचन असीं विचारदे आं पहुंचे हाँ जिस जगह ते, उह है पंज नंबर पदा. महाराज बयान करते हैं थान थनंतर रव रहा सर्ब जिया प्रतिपाल जियो. वी हैव ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इफ गॉड एग्जिस्ट्स वेयर वी कैन फाइंड आउट दैट गॉड. असि लभ कितने सकते हैं, कितने है रब. देखो गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बार बार कह रही है कि उस जर्रे जर्रे च मौजूद आ, उदा रूप स्वरूप. समटाइम पीपल आस्क ओके सो इफ वाहिगुरु जी इज ओमनी प्रेजेंट सो दैट मीन वी कैन वाहिगुरु इज ओनली एक्चुअली लिविंग एज ए इनविजिबल फोर्स इन दिस वर्ल्ड इन दिस यूनिवर्स. देर इज नो एनी प्लेस वेयर वाहिगुरु इज लिविंग एज ए काइंड ऑफ इन इन सम काइंड ऑफ फॉर्म एंड सम काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड he or she whatever actually gender we want to give to Rabji. Rabji is owning a place and living in that place as we have so many stories from ancient literature and different literatures. So it's not happening that way. It's very clear that Rabji is only living in the omnipresent situation. ये बात कई बार बच्चे बड़े ध्यान करते अक्सर गल होंगी. तो गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहब इज़ यूजिंग द वर्ड निरंकार. निरंकार का मतलब ये हैगा है जिहड़ा साडी गिणती मिणती साडे सब आशे तो साडे हर एक मैजरमेंट तो परे है. सानू साडा फोकस जिहड़ा है वह हैगा कि हू वी आर एंड वट इज इंपोर्टेंट फॉर अस as a human being to do in this world. If we just focus toward that side, that's enough. Baki te Rab ji jehda aya, people who were totally dedicated, they were dedicating their lives toward Vaheguru ji or Rab or Bhagwan, and they were doing all kind of activities to just make connection to that God. Guru Tegh Bahadur Maharaj questioning them in the Bani. Maharaj is saying, what are you saying? What are you doing? Kahe re ban khojan jahi. Why are you wandering in jungles? To do what? Then they were answering, Babaji, we are actually here to find out, to make connection with Rabji or God or Bhagwan. Kahe re ban khojan jahi. You are here to find out any Rab. Us sarab nivasi sada alepa tohi sang samahi. Ute omnipresent ya tere ang sang naalte hai ga ya. Tu kyo gwacha firda hai? हुण जिहड़ी आह गल आ इत्थे बाणी ने दस्सिया कि तू फोकस उस चीज़ ते कर
उन्हों हर जर्रे च वेख, हर जगह ते वेख, ये तेरे लिए ज़्यादा जरूरी हैगा आ। तो इनू वेखद्या होया अपने रोल नू, जिहड़ा रोल आ, रोल इहदे च हैगा कि साडी हालत ये हुंदी है कि एनीबडी इज प्रेजेंट एक्चुअली इन आवर सर्कल और इन आवर एनवायरमेंट, दैन वी आर वेरी सिविल, वी आर वेरी पोलाइट, वी आर वेरी डिफरेंट ह्यूमन बींग। बट वैन नोबडी इज वॉचिंग अस और वी आर इन आवर ओन एक्चुअली स्पेस, दैट टाइम वी माइट बी वेरी वाइल्ड, वी माइट बी वेरी एक्चुअली यू कैन से फिल्थी और सम अदर वे एंड एज ए बिहेवियर वाइज। सो वो जिहड़ियां चीज़ां ने वो सब तो असीं बच सकते हैं जो तुसीं ये सोचिए कि उत्थे हर वक्त वेख रहा सानू, हर थां ते मौजूद है, मन विच निर्मल पै आ जाए उहदा। ये जिहड़ी चीज़ है ये सानू हर लैवल तो, ये एक साडी कॉन्शियस सर्वलेशन हैगी है जिहड़ी हर वक्त हो रही है। गुरु बाबा जी कहिंदे इहदे ते फोकस रख, अपने आप नूं कॉन्शियस लैवल ते अवेयर कर। ये है थान थनंतर रव रहा, हर जर्रे जर्रे च उहदी मौजूदगी है, एक पार्ट है इहदा। दूसरा पार्ट इहदा यह हैगा जदों बंदे नूं डर लगता है इकल्ल दे विच, अपने आप मैनूं कोई समझदा नहीं गा, मैं तो कला रह गया हाँ, मैनू कोई जड़ा है सपोर्ट नहीं हैगी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलसो वी कैन सी इन सोसाइटी। या कई बार वैसे ही बंदा होंदा है कि आले दुआले कुछ बुलिंग हो रही है या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उहदे च बंदा घबरा जाता है। महाराज कहिंदे जो अंग संग अकाल पुरख वाहिगुरु, घबराना क्यों? लिटरली असीं किन्नी वारी यह शब्द पढ़ते हैं, जां तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा, और रब जी इफ यू आर इन माई सपोर्ट दैन वाई शुड बी एक्चुअली वरीड, मैनू क्यों वरीड होना चाहिए है। जे तू मेरी मेरी मेरी, मेरी फेवर च हैगा, तू मेरे पक्ष में खड़ा हैगा, एक कनैक्शन है तुहाडा उस दे नाल। सो गुरु बाबा जी कहिंदे थान थनंतर रव रहा, जिहड़ा हर जर्रे जर्रे च इस तरीके रवण करके बैठा हैगा, उहदी प्रेजेंस मौजूद आ। सर्ब जियां प्रतिपाल जियो, सर्ब जियां प्रतिपाल जियो। फिर जो तुसीं बहुत सारे स्क्रिप्चर पढ़ते हो धार्मिक ग्रंथां दे विच वखरे वखरे, तुहानूं कई वार बड़ियां हासोहीणियां गल्लां मिलदियां ने। रब दा रूप सरूप भी एवें दा बना दिता जांदा है कि बंदा बिलीवर, अज की दुनिया दे विच ते फिर बंदे नूं लगदा कि जे इफ आई एम बिलीवर ऑफ दीज एक्चुअली आइडियाज दैन पीपल गोना से आई एम ए नॉन सेंस परसन, आई डोंट हैव एनी सेंस ऑफ लाइफ, आई डोंट हैव एनी सेंस ऑफ लॉजिक। आ कहो जिहियां गल्लां कीतियां जा रही हैं, जिवें सपोज मैं तुहानूं जे एग्जाम्पल ही देवां, ते लिटरेचर च एक कहानी मिलती है सानूं। कहानी ये हैगी है कि रब ने हैवन बनाई, तो हैवन नूं इंजॉय करन वास्ते या उन्हों पूरी तरह मानन वास्ते आदम नूं बनाया, एडम। फिर उहदे साथी दे तौर ते उन्हों ईव प्रोवाइड किया गया, मतलब हवा। मुड़ के उन्हां नूं कुछ प्रोहिबिशन रिस्ट्रक्शन लगाईआं गईआं, दे क्रॉस दैट लाइन। होया कि रब जिहड़ा सीगा ओ गुस्से च आ गया, उन्हें कहा दैट्स एनफ। कई दिन कि उसनों उतों हैवन विचों कढ़िया ते धरती ते भेजता। धरती ते असल दे विच बंदा सजा भुगतन लई आया है। सो जिवें किसी नूं काले पानी भेज दीदा है। सो इत्थे जिहड़ी साडी पेन आ, सोरो है, सफरिंग है, दैट इज़ हैपनिंग ड्यू टू दैट वन एक्ट, इहदे नाल रिलेट किया जाता है। तो जे सारे च वेख्या जाए तो जिहड़ा उहदा सरूप बना दिता गया, सरूप बना दिता गया कि वह क्रोधी है, उहनूं गुस्सा आ गया, उहने उस तरीके नाल बाहर कढ दिता यह सब चीज़ां। हुण इस लैवल ते जे आपां इसनूं इसे तरीके नाल फॉलो करन लग जाइए, फिर कंपैशन कित्थे रह जाएगा, फॉरगिवनेस कित्थे रह जाएगी, फिर वह लैवल आ। इत्थे ते गुरु साहिब कहिंदे वार वार भी हकीकत यह है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू बख्श लै, तू बख्शनहार है। क्यों? क्योंकि हार हकीकत है, माटी का क्या धोप है स्वामी, तुसी मिट्टी नूं धोवोगे तो की कढोगे उहदे चों, है तो मिट्टी है ना सारी है। मानस की गत यह, जिन्हों महाराज ने बचने कहा सीगा कि शुद्ध कहाँ होए काची भीत, कच्ची कंध होए ना उहदे तुसी पानी की बाल्टी मारो, वॉल विच इज मेड बाय मड एंड डस्ट, एंड इफ वी वॉन्ट टू रियली एक्चुअली क्लीन दैट वॉल, असी बिल्कुल क्लीन कर देना है, इन मड्डी नहीं रहन देना, इन असी
खराब नहीं रहन देना। जिन्ना पानी पाओगे, जिन्ना उन्हों धोवोगे, उन्नी मिट्टी और उगलेगी उहदे च। ये मनुख की हालत है। पैर पैर ते गलतियां, पैर पैर ते ठोकरा, ये नाल चलना आ। तो बंदा बंदा तो फिर गिल्ट फील करके मर जाएगा। यही जड़ा गिल्ट आ मारदा बंदे नूं। जदों बंदे नूं अहसास ये कराया जाए भी कोई गल नहीं, चोणा गलत हो जांदियां ने, जीवन जिस तरीके चलदे आ, पर मालक उह बख्शन वाला आ। अरदास करदे आ दाता अगे तो समझ दई सोझी दई, फिर अगला पैर ठीक, अगला पैर ठीक, अगला पैर ठीक। इस तरीके नाल इत्थे जाके बचन सानूं पढ़ाया गया, लिख है कतै न छूटी है खिन खिन भुलण हार। किवें छुट्टोगे? सो गुरु बाबा जी ने बयान किया उहदा अहसास कर सुरत विच, ते अहसास करके उहदे जिहड़े, ते फिर ये भी चीज़ है, फिर मैं मॉडर्न लिटरेचर चो गल करदा अज्ज दे च। शेक्सपीयर दा वर्ल्ड रिनाउंड मर्चेंट ऑफ वेनिस जिहड़ा उहने ड्रामा लिखिया सीगा, ते उहदे चो जिहड़ी कहानी सारी चलदी है कि उह वपारी हुंदा है, ते उह वपारी कोलों एक व्यापारी जिहड़ा हैगा सौदागर, एक शाहूकार तो वह लै लैंदा है थोड़ा करजा, मनी बोरो करता है अंडर सम कंडीशन। कंडीशन हुंदियां ने भी इन्ना उहने उहदे उत्ते जिहड़ा इंट्रस्ट पे करना है, आ कंडीशन ने सारियां। बट उह जिहड़ा शाहूकार आ जिहड़ा उहनू जिहड़ा हैगा मनी लैंडर हैगा, उहनू लाइक नहीं करता उह सौदागर नू। उह कहिंदा भी इह मैं इहदे तों मतलब जिहड़ा हैगा बड़ी सख्ती नाल पेश आउणा। तो उहदे इवज दे विच फिर उह की करदा, उहदे कोल इक डॉक्यूमेंट साइन करवाउंदा हैगा, एग्रीमेंट हुंदा कि जेकर तू ये मनी इन्ने इंट्रस्ट दे नाल इन्ने समय च वापस ना कर सकिया तो दैन तेरे दिल का खून इन्ने औंस कढ़िया जाएगा, कुछ एवें दी कहानी है। तो वह साइन कर दिंदा हैगा, जिहनूं असीं मैगना कार्टा कहिंदे आ ना, जिहड़े दुनिया के कानून ने, ये हौली हौली इन्हां दा सुधार होया है, हौली हौली सुधार होंदिया होंदिया होंदिया। ये भी एक एवोल्यूशनरी वर्क आ, एक एवोल्यूशन विचों चीज़ां निकल दियां हौली हौली करके। डेमोक्रेसी है जिहनूं असीं लोकराज की गल करते हैं, वो एक लैवल तो इस तरीके जिहड़ी हैगी इवॉल्व कर करके चीज़ां लियादियां गई। इसलिए इन्हां इंस्टीट्यूशनज़ नूं भावें किसी लैवल दे ने, ते इन्हां नूं संभालण ते इन्हां च नैक्सट लैवल ते साडा कंट्रीब्यूशन पाउण दी वी लोड़ है। डेमोक्रेसी कल्ला वोट पाउणा नहीं हुंदा, इट्स ए होल प्रोसैस। इहदे अंदर बल्कि घरां दे विच चंगे बच्चे पाल के पढ़ा के लिखा के उह भेजणे समाज की सेवा वास्ते, मुल्क की सेवा वास्ते, लोक सेवा वास्ते। अज तुसीं देखो लोग कोई जिहड़ा हैगा कोई गारबेज का पैक चक रहा, कोई ठीक है इस तरीके का वॉलंटियर वर्क हैगा, पर जिहड़े लोग पॉलिसीज़ बना रहे ने, जे उत्थे उहो जे लोग होण जिहड़े जिहड़े फुल विद कंपैशन ने, पीपल हू हैव सम काइंड ऑफ विजन, पीपल हू हैव सम काइंड ऑफ एक्चुअली ह्यूमैनिटी इन देयर हार्ट, इफ दे एक्चुअली मेक पॉलिसीज़, डेफिनेटली दोज पॉलिसीज़ कैन मेक अ बिग डिफरेंस फॉर कम्यूनिटी, फॉर सोसाइटी, फॉर आवर एनवायरमेंट, एवरीथिंग। ना कि उहो जे बंदे जिहड़े कारपोरेट्स नूं सपोर्ट करन वाले ने, जिहड़े उस किस्म दीआं बातां करन वाले ने, या जिहड़े हिपोक्रेट ने, दे आर शोइंग समथिंग एल्स एंड डूइंग समथिंग एल्स। सो सारे च कंट्रीब्यूशन है ना, सारा सारे करना। हर गल दूजे पासे चली जाएगी, मैं जिहड़ी बेनती करन लगा सीगा। सो अजकल मैगना कार्टा दे अंदर फिर हौली हौली करदे आ, उत्थों शुरुआत होई, तो उस तो बाद करदे आ करदे आ, अज लीगल सिस्टम इस लैवल ते आ गया कि हर एक टर्मिनोलॉजी नूं लिखण लग्गिआ बड़ा ध्यान दित्ता जांदा है, भी इहदे मायने की ने। वो दौर है जिद्दे सीधी एक स्टेटमेंट, सीधा एक एग्रीमेंट हो जाता, तो एग्रीमेंट यह होंगे कि भाई गल ये है कि तू जे पैसे ना वापस दे सकिया फिर तेरे दिल का इन्ना खून जिहड़ा कढ़िया जाएगा वो दिता जाएगा। ठीक है जी, वो साइन कर दो, कहना कोई ना मेरे को इन्ने प्रॉफिट हो जाना, मैं वो इन्ना इन्होंने वापस कर देंगे इंट्रस्ट समेत, दैन रेस्ट ऑफ इट विल बी माइन। फिर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चलती मुकदी इतने आके है कि उहदे कोलों समय सिती पैसे नहीं दिते जांदे वापस, ही वाजंट एबल टू एक्चुअली पे दैम बैक। दैन ओह शाहूकार कहिंदा भी हुण भाई यू आर इन ट्रबल, हुण ओह गल कोर्ट चला जांदा, कोर्ट च केस चलदा, अखीर ओह कोर्ट जा के कहिंदा भी सॉरी एग्रीमेंट होया सब कुछ है बट मैं तो पे नहीं कर सकता। उत्थे फिर जिहड़ा वकील बनया हुंदा उस मर्चेंट दा, उस व्यापारी दा, तो वह शाहूकार नूं कहिंदा प्लीज़ शो सम मरसी, यू नो
ये बड़ी जरूरी है, ये बिना गुजारा नहीं होना। तो मारिया जाएगा बेचारा, तू तो मतलब दिल का खून च मंगया है, पैसे तो दे नहीं पा रहा, तो फिर वो लिटरली तौर पर नहीं, पर इस किस्म का जोड़ा है वो अरेंज देता, वो कहता भी यू नो मरसी ना द वर्ड आई डोंट हैव इन माई डिक्शनरी, नो फॉरगेट अबाउट इट, हू केयर अबाउट मरसी, इट्स लीगल राइटिंग, वट एवर हैज बीन रिटन इट हैज टू बी एक्चुअली परफॉर्म द सेम वे, सो आई मीन कोट एंड कोट शुड ऑर्डर इन माई साइट बिकॉज मैं राइट हाँ। अखीर फिर वो कहें भी हाँ भी हूँ तो अदालत ने फैसला ये हक च करना, फिर वकील उन्होंने कहें भी गल है बिल्कुल ठीक है, मैं तो यही चाहना भी सारा कुछ मैं तेरे हक च हाँ, पर गल यह है कि हूँ तू जिहड़ा लिखिया एग्रीमेंट दे वर्ड बाय वर्ड जाना, तो ये लिखिया हैगा भी इन्ने औंसे दिल का खून कटना, ठीक है आ सारा कुछ समान पिया तो दिल का इन्ने औंस खून कटदा, हाँ कंडीशनज ये ने तू कुछ कितने नहीं लिखा भी किसी होर शरीर के हिस्से का खून निकलेगा वो निकलना चाहिए, नंबर एक कंडीशन, नंबर दो कंडीशन ये नहीं लिखी ये कि यह मर जाएगा, जे मर गया तेरे कतल का केस चलेगा बिकॉज इट्स नॉट रिटन इन देयर, इस तरीके दो चार दस गल करा के उन्होंने फसा लेंदा, हूँ जो फस जाता भी वो सामने उन्होंने नाइफ करता भी चल उन्होंने कड खून इस तरीके, वो शाहू कड रहा होने कितों नाइफ कितने फटाया जाना, वो कहते नो 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 सॉरी सॉरी मैं माओ, कहते नहीं नहीं, फिर खीर फसया कहते भी प्लीज शो सम मरसी, तो फिर उन्होंने वकील कहते नो क्योंकि मरसी ना का वर्ड तेरी डिक्शनरी नहीं है, इफ यू डोंट हैव इट हाउ कैन यू आस्क फॉर इट, जो तू आप यदि परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तू जो आप इन जरा इन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, असी कहने रबा तरस करें साढ़े ते बख्शिश करें भाई, जिथे तू बैठा तू कर रहे इतों बात शुरू होती है, रब का तस्वुर जरा बाणी दसिया ना, तू दयाल है कृपाल है बख्शिंद है दात दहिंद है माफ करने वाला है, आह रूप है समाज संसार इसे रूप में चलता है, मैं हमेशा कहना बच्चों को, इफ यू हैव ओनली टू मेन वर्चूज, वन इज रिमोर्सफुलनेस, मिस्टेक विल हैपन, that is the totally clear thing, no one is perfect in this world, we will make, we are going to make and we are making errors all the time, but if we make any error we should not try to justify them, we should accept them and having some kind of remorseful feeling which can help us to improve ourselves properly, pehli cheez hai, second thing if some other people are actually making some mistakes, some errors, and due to their errors, we have to pay some prices. That time, we should have forgiveness. Maaf karan di virti jehdi hai. Idi exercise honi chahidi hai. Ye do cheezan ne, ik te apne aap nu durust karan vaste agrasar hona. Guilty nahi feel karna, remorseful hona. Regret karne te jehda hai ga, remorseful hona, do different cheezan. एक बंदा पश्चाताप पछतावे पछतावे कर रहा है, ओहो पछतावे पछतावे ना पछतावे नहीं पश्चाताप, पश्चाताप की है कि उसनू ठीक करने वास्ते बंदा एक्सैप्ट करता दूजा उत्ते काम करता है, ये तां हो सकता जे रब की होंद नू मन्नेगा ते मन्नदिया होया कहेगा जर्रे जर्रे च मौजूद है पैर पैर ते मैनू माफ कर रहा है, लोगों तो लुकया उन्होंने तो पता ना सारा व्हाट आई एम डूइंग, जिवें भाई गुरदास जी दा बचन पढ़ते हैं कि अंतर जामी सुन कंपत हूँ अंतरगत, जदों का यह सुन लिया ना रब जी तू तो अंतर जामी है तेरे तो कुछ भी लुकिया छिपिया नहीं, तू तो ओमनी प्रेजेंट है, तू तो जानता सब कुछ मेरे अंदर की चल रहा है की नहीं, अंतर जामी सुन कंपत हूँ अंतरगत, हाँ पतित पावन सुन पै परम टार हूँ, पर जो ये पता लगा तो बड़ा बेअंत है, पतित नू पावन कर देना है, जिहड़ा माड़ा आ उन्हू उच्चा चुक देना है, डिगे की बांह फटदा तू दाता अंदर हौसला वध जांदा है, तू तरस करेगा, साहब ने कहा थान थनंतर रव रहा सर्ब जिया प्रतिपाल जो एवें सर्ब जिया की प्रतिपालना करता हो, उस सास सास एवें पालदा है सास सा पैर पैर बंदा जिमें जिमें तुरदा है, जो नहीं करन योग हो जाता है, जो नहीं खान योग खाधा जाता है, जो नहीं होना चाहिए हो रहा है, पर फिर बंदा हौसला करता है, फिर अपने आप को कट्ठिया करता है, फिर तुरदा है, करतारी बेदे है सारे की सारी, यही मदर नेचर, यही मैं क्या ये जिहड़ा एवोल्यूशन है इनू इस लैवल ते अंडरस्टैंड करो, ये इवॉल्विंग हो रही है हर चीज़ की, ये इस लात इस जो बंदा इस लैवल ते चला जाए ना, समटाइम पीपल आस्क मी भाई साहब
Do you think we can enjoy some different kind of pleasure in our mind by just believing in Rabji? Yes, we can, if we have Gurbani's thought like this. Banda vismad ch na jaye aisa ho nahi sakda. Kive hoega? Jadon banda is cheez nu vekhega kainat vich hundiyan nu te apne aap vich feel karega. Is nu guru sahib ne kya थान थनंतर रव रहा सर्व जिया प्रतिपाल जी सच खजाना संचिया यह सच्ची दौलत है साडा खजाना जिहड़ा ना सब तो बड़ा ट्रेजर जिहड़ा साडा जिहड़ा जिहनूं तुसीं अपना वॉलेट वॉलेट कह लो ये सिर्फ ये जिहड़ा हैगा जिहड़ा हार्ड जिहड़ा वॉलेट असीं लई फिरदे यह नहीं हैगा गल्ला सब तो बड़ा वॉलेट साडी सोच आ जिहो जी सोच बंदा लैके तुरिया फिरदा आ वह खजाने दे नाल ही बंदे ने चलना है उन्हों वरतेगा जे उहदे च विजडम रिफलैक्ट होंदी है उहदे च ह्यूमन इंस्टिंक्ट रिफलैक्ट होंदा आ उहदे च सम काइंड ऑफ क्रूजियस सम टाइम करज है दलेरी है समर्था है उहदे च सम काइंड ऑफ विजन है उस जिहड़ी दूरदृष्टा की बात हैगी है क्यों नहीं बात बनेगी बंदा जिवें जिवें विचरदा आ उस तरीके नाल आई वॉज लिसनिंग फ्यू ईयर्स बैक ओबामा की एक स्पीच मैं याद आ एक्चुअली जो ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी टाइम ही ऑलसो डिड ए ब्लंडर ये उत्ते जिहड़ा हैगा प्लेजरिज्म दे इल्जाम लगे सीगे इन्हें स्पैनिश लैंग्वेज का कोई असाइनमेंट वगैरह सीगा उहदे च इस किस्म की बात हुई तो वो सारा होने तो बाद ह्यूमन आर ह्यूमन एनी वन हालांकि तुसी उन्हों देखो उहदा पूरा पोर्टफोलियो देखो सारा देखो स्पीचिज देखो उहदा काम करन दा लैवल देखो हर लैवल ते बड़ा परफेक्ट बंदा लगता है तो जो ये चीज़ हुई तो उस तो बाद फिर उन्हों सॉरी फील करना पे अपॉलजी हुई मतलब काफ़ी बंदे की अंबैरसमेंट भी बंदे ने फेस करनी पी सारा बट ही एक्चुअली रियलाइज दैट आफ्टर दैट इंसीडेंट I was totally different person. एक जिहड़ा फेक इगोटिस्ट एटीट्यूड आ जांदा ना बंदे च कि मैं तो तोप आ उह दिन चला गया उह दिन पता लगा ना कदी भी अपने जिहड़े खास करके जिहड़े तुहाडे रडार्स ने उन्हें तुसीं डाउन नहीं कर सकते करोगे यह मन तुहानूं खाई छड्डेगा जाके मन खुटहर तेरा ना है विश्वास किवें भरोसा करोगे फिर उस दी ते अपना एक पॉलिटिशियन सीगा उस तरीके नाल बयान किया पर जे मैं स्पिरिचुअल साइड ते लैके आवां हकीकत ये बंदा इत्थे अरदास करदा इसे करके मंग की जा रही है असी रोज मंग कहिंदे आ सही गुरमुख प्यारे मिल इहो जिहा संग दे जिहड़ा संभाल लवे इत्थे बाबा जी ने बयान किया सच खजाना संचिया इस किस्म की सोच संच लई खजाना मिल गया जिहदे च पता लग गया हाँ दाते ने तरस करके सोझी हो समझो सब चीज़ा बख्श दित्तियां एक नाम तनमाल जियो तो अखीर एक नाम तनमाल है असल जिहड़ा तनमाल आ साडे परिवार हैगा बच्चे नूं बड़ा प्यार नाल पालिया संभालिया बड़ा वधिया बहुत बड़ा बीबा बच्चा तो यूनिवर्सिटी सिलैक्शन हो गई आउट ऑफ द कंट्री जान की तैयारी सारे सारी बिल्कुल उस तरीके पता नहीं कि परिवार को फील होया भी समथिंग इज़ नॉट गुड बड़ा यंग आ वल्नरेबल हैगा आ तो कित ऐसा ना हो किसी बैड इन्फ्लुएंस में आ जाए और उन्हें बिल्कुल लास्ट मिनट पर प्लान चेंज कर दिता तो बच्चे विश्वास च लैके सारी गलबात मुड़के मेरे न गल हुई तो मैं केंद्र प्लान चेंज भी कर दिता है फाइनैंशियल भी काफ़ी सारा लॉस होया बच्चे भी थोड़ा जहा हार्ड होया हर्ट होया है सानू भी लगा आ मैं क्या जी गल है बेटा बट सारे सारा प्लान तुम चेंज किया देर मस्ट बी सम रीजनस रीजनस दसो अपने आप में दसो मैनू दसो रीजन दस उन्होंने फिर उन्होंने सारे रीजन देने तो बाद मैं क्या रीजनस आर वेरी लेजिटिमेट दे आर वेरी सॉलिड नो डाउट बच्चा वनरेबल है चॉइसिस बदल सकदियां ने इत्थे इत्थे चॉइसिस जिहड़ियां ने तुहाडे नाल रल के आ रही ने
कीर्तन कर रहा आ काफ़ी चीज़ा ने बहुत सारा तो आप बिलीव करो बच्चे का जड़ा है थोड़ी जर्नी तो उस कैरियर वाले पास लम्मी होगी बट ही डिड वेरी वैल अज इन्ने कमाल का बच्चा आ भी सोसाइटी वास्ते एक सिख कम्यूनिटी का एसेट है फैमिली की बैकबोन आ अपने आप दे पूरी तरह मतलब जिन्हों कहा जाए कि एक वैल रेज्ड एक सिख किड यहोजी चीज़ा जड़िया ने नाम धन जी मैं बात कर रहा नाम धन उन्होंने अहमियत दी जाए जो बंदा सोचे भी कोई नहीं सोके तो यह कि वड्डी गल है बाद भी ले लेंगे आप चलते इन्ना नहीं पता मन की दशा आ पता नहीं इन्हें कितने कितने जा मारना सानू सो गुरु बाबा जी ने कहा कि एक नाम तन माल जियो मनते कभी ना विसर फिर क्या इन दूर ना लेके जाए नैवर एवर ट्राई टू एक्चुअली पुट इट अवे फ्रॉम यू और पुट इट बिहाइंड फ्रॉम यूर एक्चुअली गोल्स नो 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 ट्राई टू स्टक विद दिस काइंड ऑफ माइंड सेट ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ स्पिरिचुअल वैल्यूज दैट इज ए दैट दैट शुड बी असेंशियल पार्ट ऑफ यूर एक्चुअली वे ऑफ लाइफ महाराज सिंह मनते कभू न विसरै ज आपे होए दयाल जियो पर हुंदा उदों ही है जो तू तरस करता है तू उस लैवल ते बख्शिश करता है एक पता होर कह के फिर समाप्ति कर देने कल सारा शब्द समाप्त कर देंगे आवन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो सलवेशन मुक्ति जड़ी है आवन जाना सिखी दे वार वार गुरबाणी च रिकारनेशन की गल आ रही इस तरीके अच्छ मॉडर्न वर्ल्ड भी सूँ बहुत सारा ऐसा कुछ मिल रहा है मैं कई बार थोड़े को बहुत सारे अजे लिटरसी लैवल से मैनशन भी करदा चीज़ा जिमें देर आर मैनी लाइव एंड मैनी मास्टर्स बड़ा कमाल का डॉकूमेंट हूँ तो बहुत सारे डॉकूमेंट्स लिखते एक बड़े वैटरन साइकाट्रिस्ट ने अमेरिका के एक्सरसाइज करते हैं प्रैक्टिस करते हैं अपनी जड़ा है मैडिकल फील्ड के उन्हें रिवील कितिया चीज़ क्रिश्चन बिलीवर बंदा जोड़ा आ वो एकदम रिकॉर्डनेशन वाले कॉन्सैप्ट आ गया जो उन्हें लोगों का जीवन एनालिसिस करद्या करद्या तो उन्होंने मन मंडल जाद पता लगा कुछ पिछों आ रहा कुछ अगे जा रहा उस चीज़ इस लैवल से ने पर हाँ बीइंग ए सिख जो तुम उस लैवल से आ गए जो उस करतार इतने सुरत ही आत्मसात हो गए उन्होंने कुछ नहीं ना नरक है ना स्वर्ग है ना जम्मन है ना मरण है वो तो मुक्ते ज्यौते मुक्ते ने पर अदरवाइज जड़ा आ वो तो गुरु बाबा जी कह रहे हैं कि आवन जाना रह गए रोन जान का चक्कर जरा बात की गई है मन वुठा निरंकार जो मन में वुठ गया वुठन का मतलब जो उन्हें तरस कर दिता साढ़े उत्ते अंत ना पाई है ऊंचा आगम अपार जो बट स्टिल इफ समवन सेज बाबा जी और भाई साहब कैन यू टेल कैन यू एक्सप्लेन लिटल बिट मोर हाउ यू कैन अंडरस्टैंड हू इज गॉड एंड वट इज गॉड एंड वट काइंड ऑफ शेप गॉड हैव एंड वेयर वी कैन फाइंड आउट दैट गॉड बाबा जी सिंह साचे है ताका अंत ना पाई है नो वन इज एबल टू सी और एक्सप्लेन 100% क्या ऊंचा अगम अपार जी उदी प्रेजेंस जेड़ी है साड़ी सुरत तो बहुत वड्डी बड़ी ऊंची है जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जमै लखवार जी जिन्होंने ये प्रभु सृजनहार विसर जाए वह तो लख वार जमद लख वार मरद भाव यह है जीवन वह जोड़ा है मीनिंगलैस हो जाता है वो कोई वैल्यू नहीं रह जाती साहब रहमत करना यह जे खजाने से अपनी सुरत टका लीए साड़ी ये प्रैक्टिस साड़ा जीवन विहार साड़ी तरज जिंदगी बन जाए ये दिली अरदास है इन बेनती खिमा फुला समाप्ति कह देना जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।